अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। भाजपा प्रवक्ता द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के बाद अल्पसंख्यकों में भारी नाराजगी का माहौल है। कानपुर दंगे के बाद प्रदेश में इस बात के इंतजाम किए जा रहे हैं कि भविष्य में अन्य जिलों में ऐसा कुछ न होने पाए। आज इस कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण जिले मेरठ में पुलिस व जिला प्रशासन ने मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। बैठक के दौरान कामोवेश सभी जनप्रतिनिधियों ने एक राय से विवादित टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि बंटवारे के दौरान वे पाकिस्तान नहीं गए, वह बाई चॉइस भारत में है, यह देश उनका भी है। इस मौके पर पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के बारे में आपत्तिजनक कुछ कहने की इजाज़त नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है तो निश्चित रूप से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के तमाम संवेदनशील जिलों में इस तरह की बैठक उस वक्त की जा रही है जबकि कानपुर दंगे के बाद कानपुर के शहर काजी हाजिफ अब्दुल कुद्दुस हादी का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि बुलडोजर चला और उनके बच्चों पर ज्यादती हुई तो लोग सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ेंगे। बहरहाल मेरठ में बैठक के भीतर यह नजर आ रहा, देखिए। क्या करेंगे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करो, हिंदुस्तान को बलवान होने का काम करते हो, उन्होंने खून बहाया है, उनके अलावा से पूछो किस तरीके से ग्रुप को आवाज किया और आजादी दिलाई। बहरहाल ये वक्त समझने समझाने का है, हमारे इन सब नुमाइंदों की तरफ से इस बात की हम अपील करते हैं कि जिस शख्स ने हमारे मुल्क में हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए थे, उनकी तोहिन की है, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए इस बात की। इसलिए ये बात सही है इसमें कि पैगंबर जो है वो सारी दुनिया के लिए आते हैं, वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं आते हैं, तो इसलिए सारे समुदाय के लोगों को उस पर तकलीफ का इजहार करें। बैठक के बाद जिलाधिकारी दीपक मीणा ने यह कहा। एक टीम की बैठक थी कि जो कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा संवाद बनाए रखें और लोगों के जो ग्रीवेंसेज होते हैं वो ग्रीवेंसेज हम लोग लगातार उनसे संवाद के माध्यम से उनसे सुनते रहें, सॉल्व करवाते रहें। तो उसी क्रम में ये बैठक रखी गई थी और मुझे काफ़ी खुशी है कि इस बैठक में काफ़ी मतलब अप्रत्याशित लोग आए, हर जगह से कॉर्नर से आए, लोगों ने अपनी बातें भी रखी, उन पर डिस्कशन भी हुआ, हेल्दी डिस्कशन हुआ है। और मुझे लगता है कि ये मीटिंग का जो सिलसिला है हम लगातार अपने स्तर पर कप्तान साहब और मैं अपने स्तर पर लगातार रखते हैं। ये इन्होंने कुछ पशुओं की भी जो गाँव वालों ने शिकायत की है ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हैं, वैसे जितना हमारा सर्वे के हिसाब से वो सारे पशु हमने संरक्षित कर रखे हैं, पर जहाँ जहाँ से शिकायत है तो हम अगले एक महीने में भी अपनी कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले एक महीने में ये शिकायतें बिल्कुल नॉर्मल। धार्मिक स्थल की चिन्हित करने के लिए जो शासन से निर्देश आया है, ये नॉर्मल एक निर्देश है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर जितने भी हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करवा लिया जाए, वेरिफिकेशन कर लिया जाए, उनको लिस्ट कर लिया जाए कि कोई कहाँ कहाँ पर कितने हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है 3-4 दिन में हम उसको। वहीं पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने यह जानकारी दी। सोशल मीडिया सेल हमारे यहाँ बनावा लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, स्वयं ट्रैवल करते रहते हैं सोशल मीडिया सेल प्लेटफॉर्म के खिलाफ, मुझे 6-7 दिन में 5-4 दिन में लिखे गए हैं। अगर कोई इस तरह का किसी समुदाय विशेष के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आगे जो गंभीर वगैरह है उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। यही बैठक का संदेश देना ये बताया गया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेजेस जाते हैं तो उससे ऐसा नहीं कि उग्र होने की ज़रूरत है, आप निहायत निश्चित फोरम पे ले आए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ना हो कि लोग इकट्ठा होकर के उसमें कुछ खुराफाती तत्व भी आ जाते हैं, फिर पत्थरबाजी या कुछ भी हो जाता है और उसमें फंसते वो लोग जो सामने रहते हैं, बाकी तो लोग भाग जाते हैं। तो ये सेंसिटाइज करने के लिए सभी को बुलाया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।